बिग बॉस के घर में कल एक बार फिर से सलमान खान ने सच का खुलासा किया, जो काफी जरूरी भी था। कभी कभी हम सभी जो देखते हैं उसी को सच मान बैठते हैं, जबकि उसके पीछे की सच्चाई से हम वाकिफ नहीं होते हैं। सलमान खान ने भी बीते एपिसोड में कुछ ऐसी बातें सामने रखी जिनका बाहर आना काफी जरूरी था। सलमान खान ने शिव की प्लानिंग से लेकर उनका साथ देने वाले लोगों तक का पर्दाफाश किया, वहीं कुछ लोगों को सुझाव भी दिए। बीते एपिसोड में अर्चना गौतम को शिव के साथ लड़ाई में हिंसक होने पे उन्हें घर से बेघर कर दिया गया था, लेकिन वीकेंड के बाद में सलमान खान ने अर्चना गौतम को घर में बुलाकर सही गलत का फैसला किया। सलमान खान के इन बातों से जहां प्रियंका, अंकित, गौतम और सौंदर्या खुश हुई, वहीं घर के बाकी कंटेस्टेंट्स नाराज भी हुए। यहां तक कि बाकी घर वालों ने तो अर्चना को दूसरा मौका देने से भी मना कर दिया, लेकिन सलमान ने अपना फैसला सुनाते हुए अर्चना को दूसरा मौका दिया, जिसे सुनकर खुद अर्चना भी काफी इमोशनल हो गई। सलमान ने अर्चना और शिव के फाइट का सच बताते हुए यह दिखाया कि कैसे शिव ने पूरे हादसे से पहले अपनी टीम के साथ इस बात को डिस्कस किया था कि अर्चना को कैसे उकसाना है। शिव ने सभी को बोला था कि उसे कुछ शब्दों से बड़ी दिक्कत होती है, हम बस उसे वहीं बोलकर पीछे हट जाएंगे, जिसके बाद अर्चना बौखला जाएगी। वीडियो में ये भी देखा गया कि अर्चना को शिव की प्लानिंग की भनक लग गई थी, जिसके बाद उन्होंने शिव को बुलाकर एक समझौता करने का फैसला किया था। अर्चना ने शिव से पहले ही कहा था कि वो उनकी कुछ चीजों के बारे में बात नहीं करेगी, बदले में उन्हें भी उनकी पार्टी और कुछ चीजों के बारे में बात नहीं करनी है। इस बात पर शिव लगातार उनसे बहस करते हुए नजर आए। बात काफी आगे बढ़ गई और शिव ने अर्चना को उकसाने का कोई भी मौका हाथों से नहीं जाने दिया। इस पर अर्चना भी गलती कर बैठी, जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, लेकिन इसके जिम्मेदार शिव भी थे। वेल दोस्तों, आपको अर्चना और शिव के फाइट में कौन सही और कौन गलत लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अर्चना ने जो किया था गलत था, बट शिव क्या सही था, शिव को समझ में आ गया कि अर्चना का ट्रिगर यही है। इसकी पार्टी के बारे में या दीदी के बारे में बात करेंगे तो बहुत ही अच्छा ब्रीफ।